So in this video, I will talk about how to prepare objective question for CBSE 2020. ठीक है, तो CBSE एग्जाम्स में जो इस बार नया पैटर्न आया, आपको पता भी होगा, 15 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेज आए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें, तो इसके लेके मैं दो तीन बातें आपसे करूँगा और जिसके आधार पर आप ये तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए का जो पैटर्न होता है वो बाकी क्वेश्चन, थ्री लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, थ्री मार्क्स, फाइव मार्क्स से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि फाइव मार्क्स और थ्री मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा होगा कि उसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे कंफर्म होते हैं कि एक फाइव मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। मतलब फाइव मार्क्स थ्री मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले टॉपिक आपके बुक्स में एक पता होता है कि इन टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वन मार्क्स के लिए कोई फिक्स नहीं है कि किस टॉपिक से, किस लाइन से इससे क्वेश्चन बन जाए। तो आप इसकी तैयारी कैसे करें, तो इसकी तैयारी का सबसे जो मूल मंत्र है वो ये कि आपको इसके लिए बिल्कुल अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लॉन्ग आंसर तैयारी करते हैं या थ्योरी पढ़ते हैं, आपको इसके लिए बारीकी से माइन्यूटली कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना पड़ेगा, आपको थ्योरी पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके बुक्स के या नोट्स के किसी भी लाइन से निकल सकता है, मतलब इसमें हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे में ये कभी नहीं कहा जा सकता कि ये फिक्स अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है, आप इसको तैयार कर लो तो इसमें से आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का गेस कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसका तरीका यही है कि जो आप लॉन्ग आंसर पढ़ते हैं, फाइव मार्क्स थ्री मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उसी को आप डीपली पढ़ें, उसी में से जब लॉन्ग आंसर आप पढ़ेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आएगा, उसी में से किसी लाइन से हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए और आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें टिक लगेगा। तो इसके लिए आप अलग से बिल्कुल प्रिपेयर मत करना। हाँ, इतना जरूर करना कि आपको इसकी प्रैक्टिस करना, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक्स हो, साइड बुक, क्वेश्चन बैंक या सिंपल पेपर वगैरह, तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करो, ताकि एक बार आपको आइडिया लगे कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको आंसर करना है। तो आप देखोगे ऐसे आंसर करने में कि जो भी आप लॉन्ग आंसर्स जो पढ़ते हैं उसी के आधार पर ये बनेगा। तो इसके लिए बिल्कुल अलग से प्रिपेयर नहीं करना, बस प्रैक्टिस कर लेना और लॉन्ग आंसर और थ्योरी को ही डीपली पढ़ना। ठीक है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, 15 मार्क्स आपके अच्छे से लग जाएंगे, आप जो मेन टॉपिक्स वगैरह है उसको पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो आप इसको